क्या आप जानते हैं कि क्रिसमस मनाया क्यों जाता है? तकरीबन सब लोग क्रिसमस की वेट करते हैं, कुछ सेंटा क्लोज को मिलने के लिए, सेंटा से गिफ्ट्स पाने के लिए, फोटोज खिंचवाने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। स्कूल्स में ढेर सारी सेलिब्रेशंस और पार्टीज क्रिसमस के कारण रखी जाती हैं। कुछ लोग क्रिसमस सीजन की वेट इसीलिए करते हैं क्योंकि ये हॉलीडे सीजन होता है, लोग अपनी छुट्टियां एंजॉय करते हैं और इस तरह लोगों के पास क्रिसमस सेलिब्रेट करने के अपने अपने रीजंस और तरीके होते हैं। पर क्रिसमस का असली मकसद और कारण क्या है? ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं कि क्रिसमस हुआ ही क्यों। ऐसा क्या हुआ कि जीसस क्राइस्ट का जन्म, यीशु मसीह का जन्म इस धरती पर हुआ? बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो परमेश्वर ने उन्हें एक अदन के बाग में रखा और उन्हें आज्ञा दी कि उस गार्डन के सब वृक्षों का फल वे खा सकते हैं, पर बुरे और भले के ज्ञान के वृक्ष के फल को वे कभी ना खाएं, क्योंकि जिस दिन वे उसके फल को खाएंगे वे उसी दिन मर जाएंगे। बाइबल बताती है कि जब आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी और पाप किया तो उत्पत्ति अध्याय 3 उसकी 7 आयत में लिखा, तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। अपनी शर्म और पाप को ढकने के लिए वे पत्तों के कपड़े सिल कर डाल लेते हैं। पर जब परमेश्वर को उनके पाप के बारे में पता चलता है तो परमेश्वर एक जानवर को मारता है और उस जानवर के चमड़े के कपड़े बनाकर उन्हें पहनाता है। उन पेड़ पौधों के पत्तों ने उनकी शर्म और पाप को ढका नहीं, क्योंकि पत्तों में कोई खून नहीं होता। और बाइबल में इब्रानियों अध्याय 9 उसकी 22 आयत में लिखा कि बिना लहू बहाए पापों की कोई क्षमा नहीं, और इसीलिए परमेश्वर ने आदम और हवा के पाप को ढकने के लिए दुनिया की सबसे पहली कुर्बानी एक जानवर की दी, और इस तरह आदम और हवा के पाप को ढकने के लिए उस जानवर के लहू को बहाया गया। और इसलिए पुराने समय में सब लोग अपने पापों की क्षमा के लिए जानवरों की कुर्बानियां देते थे। अब जानवरों की कुर्बानियां क्यों देते थे? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि पाप की मजदूरी मौत है, यानी कि अगर किसी ने पाप किया तो उसकी सजा मौत है। क्योंकि परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर है, इसलिए वो मेक श्योर करता है कि जिसने पाप किया उसे उसकी सजा मिले ही मिले, क्योंकि अगर उसे सजा ना मिलेगी तो फिर परमेश्वर का वचन झूठा ठहरेगा और परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं बोलता। अब जिसने पाप किया वो उस सजा से तभी बच सकता है अगर कोई बेगुनाह बेकसूर उसकी जगह पर उसकी सजा को भुगते, उसकी सजा को अपने ऊपर ले ले। पर कोई भी इंसान एक दूसरे के लिए अपनी कुर्बानी नहीं दे सकता था, क्योंकि सब ने पाप किया आदम के पाप के कारण, वो पाप उसके खून में था और जो कोई पैदा होता था वो पापी ही पैदा होता था। जानवरों ने कोई गुनाह नहीं किया, वे बेकसूर थे, और इसीलिए जानवरों को पाप क्षमा की बलि के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और इसीलिए परमेश्वर ने आदम और हवा को अपने गुस्से से बचाने के लिए उनके लिए जानवर को कुर्बान किया। ये एक चिन्ह था कि परमेश्वर आने वाले समय में अपने बेटे को सारी दुनिया के लिए कुर्बान करेगा। अब जब लोग पाप करते थे तो वो अपने पाप क्षमा के लिए अपनी हैसियत और अपने रुतबे के हिसाब से जानवर की कुर्बानी देने के लिए भवन में लेकर आते थे। पर जानवरों बैलों बकरों की कुर्बानियां पाप क्षमा के लिए कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं थी। आदम और हवा के पाप को ढकने के लिए परमेश्वर ने एक मासूम एक बेकसूर जानवर का लहू क्यों बहाया? इसका जवाब यही है, जानवरों ने कोई गलती कोई गुनाह नहीं किया था, वे बेकसूर थे बेगुनाह थे, और इसीलिए वे उस इंसान की जगह मरते थे जिन्होंने गुनाह किया होता था, और उस बेकसूर जानवर के लहू के जरिए लोगों के पाप ढके जाते थे। अब लोगों को बार बार जानवरों का लहू बहाना पड़ता था। अब मनुष्य जाति के पाप हमेशा के लिए माफ करने के लिए परमेश्वर को एक ऐसे इंसान की कुर्बानी की जरूरत थी जो पाप से रहत हो, जिसके खून में पाप का नामो निशान ही ना हो। आदम के खून में पाप था और इसलिए सब लोग जो आदम के बाद पैदा हुए वे सब पापी ही पैदा होते थे, क्योंकि वे सब इंसानी बाप से पैदा होते थे। परमेश्वर आदम और हवा से बहुत प्रेम करता था। जब परमेश्वर को पता चलता है कि शैतान ने सांप के बीच आकर हवा को भरमाया और पाप करवाया, तो उस समय परमेश्वर शैतान को एक भविष्यवाणी देता है, और उस समय परमेश्वर क्रिसमस की घोषणा करता है जिसके बारे में उत्पत्ति अध्याय 3 उसकी 15 आयत में लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में वैर उत्पन्न करूंगा, और वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये भविष्यवाणी परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह के बारे में की थी, जिसने आने वाले समय में एक
कुंवारी औरत के द्वारा जन्म लेना था। इस भविष्यवाणी में परमेश्वर ने शैतान से कहा कि औरत का वंश यानी यीशु मसीह शैतान के सिर को कुचलेगा, और इसीलिए परमेश्वर ने अपने बेटे मसीह को एक औरत के अंदर भेजा और एक कुंवारी पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई। अगर यीशु मसीह का जन्म इंसानी बाप के द्वारा होता तो उनका खून भी बाकी लोगों की तरह पापी होता और उनकी कुर्बानी से कोई फायदा नहीं होता। अब औरत को तो परमेश्वर ने बच्चा धारण करने के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा की गई भविष्यवाणी औरत के जरिए ही पूरी होनी थी। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ जानता है। परमेश्वर जानता था कि आदम और हवा पाप करेंगे, और इसीलिए परमेश्वर ने औरत को डिजाइन ही इस तरीके से किया कि जब औरत गर्भवती होती है तो माँ और बच्चे का खून कभी भी आपस में मिक्स नहीं होता। परमेश्वर के पास बैकअप प्लान पहले से ही था, और इस तरह एक कुंवारी परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सुपर नेचुरली अलौकिक तरीके से गर्भवती होती है और एक बच्चे को जन्म देती है। और इस तरह यीशु मसीह का खून पाक साफ और पाप से आजाद था, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म किसी इंसानी बाप के द्वारा नहीं बल्कि खुद परमेश्वर के द्वारा हुआ। इसलिए यीशु मसीह के जन्म के साथ इंसानी बाप का कोई ताल्लुक नहीं था। यीशु मसीह ने अपनी सारी उम्र में कोई गुनाह नहीं किया, वे बेकसूर थे, और इसीलिए यीशु मसीह पाप क्षमा की कुर्बानी के लिए एक परफेक्ट बलिदान थे। जिस तरह एक बेकसूर जानवर की बलि दी जाती थी और जानवर लेकर आने वाला जो पापी होता था उस बेकसूर जानवर की कुर्बानी के कारण बच जाता था, उसी तरह यीशु मसीह एक बेकसूर जानवर एक मेमने की तरह सारी दुनिया के पापों के लिए क्रूस पर कुर्बान हुए। और बाइबल बताती है कि किसी इंसान ने नहीं बल्कि परमेश्वर ने खुद अपने बेटे को मारा। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने हमें अपने पास लाने के लिए अपने बेटे को मार डाला। यशाया अध्याय 53 उसकी 4 आयत में लिखा, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण यानी यीशु मसीह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। परमेश्वर इतना पवित्र है कि जहाँ पाप होगा वहाँ परमेश्वर कभी नजर नहीं आएगा। जब आदम और हवा ने पाप किया था तो परमेश्वर का आत्मा उनके शरीर को छोड़कर चला गया था और दोबारा कभी उनके अंदर नहीं समाया, क्योंकि उनके शरीर में पाप था। और जब यीशु मसीह क्रूस पर थे तो सारी दुनिया के पाप उनके शरीर के ऊपर डाल दिए गए थे, और यही कारण था कि परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को कुछ समय के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि उस समय क्रूस पर यीशु मसीह सिर्फ पापी ही नहीं बल्कि पाप बन चुके थे। और इसीलिए यीशु मसीह ने चिल्ला कर कहा था कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर किसी के साथ पार्शियलिटी कोई पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर अपने करैक्टर में इतना दृढ़ है कि जब क्रूस पर पाप उसके बेटे के शरीर पर था तो उसने अपने ही बेटे को छोड़ दिया था। पर यीशु मसीह कोई आम इंसान नहीं थे, वे इंसानी शरीर में परमेश्वर थे, और इसीलिए मौत उन्हें कैद नहीं कर पाई। मरने के तीसरे दिन वे फिर जी उठे और 40 दिन लोगों के साथ समय बिताकर अपने शरीर में ही सीधा स्वर्ग चले गए। और आज भी परमेश्वर हमारी खातिर एक इंसानी शरीर में ही है, और वो स्वर्ग में पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। जानवरों की कुर्बानियाँ हमें कुछ समय के लिए ही परमेश्वर के क्रोध से बचाती थी, पर यीशु मसीह की कुर्बानी के बाद अब हमें जानवरों की कुर्बानियाँ देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु मसीह एक ही बार और हमेशा के लिए सारी दुनिया के पापों की क्षमा के लिए कुर्बान हुए। यीशु मसीह इस धरती पर कुर्बान होने के लिए ही आए थे, और इसीलिए हम क्रिसमस मनाते हैं कि परमेश्वर हमारी खातिर इंसान बना और हमें बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के जन्म लेने से हजारों साल पहले ही सैकड़ों भविष्यवाणियाँ यीशु मसीह के जीवन के बारे में लिखी गई थी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और वो लोगों के लिए क्या क्या करेगा, उसका जीवन कैसा होगा, कैसे वो हमारे लिए मार खाएगा और क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा और मरने के तीसरे दिन फिर जी उठेगा। इतिहास खोल कर देख लो, ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी के पैदा होने से पहले ही उस इंसान के बारे में
हजारों सालों से प्रॉफिट्स और नबियों के द्वारा भविष्यवाणियां की गई हूँ। आज जो अपने आप को बहुत समझते हैं और अपने पीछे लोगों को लगा कर बैठे हैं, ना तो उनके जन्म के बारे में कोई भविष्यवाणी हुई, ना ही वे लोगों के लिए मरे और ना ही वे मुर्दों में से जी उठे। अगर आप आज भी इसराइल में जाएं, तो वहां पर यीशु मसीह की कब्र आपको खाली ही मिलेगी। बाइबल में एक पुस्तक है जिसका नाम यशाया है, जिसे यीशु मसीह के जन्म से 700 साल पहले लिखा गया था। यशाया अध्याय 7 उसकी 14 आयत में लिखा, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। इमैनुअल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ, गॉड विद अस। ये तो सिर्फ एक भविष्यवाणी है, ऐसी सैकड़ों भविष्यवाणियां हैं जिनके बारे में अगर मैं बताने लगूं तो ये वीडियो खत्म ही नहीं होगी। बाइबल ही एक ऐसी पुस्तक है जिसमें भविष्य के बारे में लिखा है कि क्या होने वाला है, इस युग का अंत कैसे होगा। ये गूगल पे, पेटीएम, कैशलेस सोसाइटी, वन वर्ल्ड रिलीजन के बारे में, महामारियां, भूकंप, जो कुछ इस दुनिया में चल रहा है, ये सब कुछ बाइबल में पहले से ही लिखा हुआ है। यीशु मसीह के जन्म के बारे में, उनकी मौत और जी उठने के बारे में बाइबल में पहले से ही सब लिखा हुआ था, और ऐसा ही हुआ। जी उठने के 40 दिन बाद यीशु मसीह जीवित अपने शरीर के साथ स्वर्ग में गए, और अब वो दोबारा फिर आएंगे और सारी दुनिया का न्याय करेंगे, और इसके बारे में भी बाइबल में पहले से ही लिखा हुआ है। हम क्रिसमस इसीलिए मनाते हैं क्योंकि परमेश्वर जो आत्मा है वो अपना स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए इस धरती पर आया और हमारी तरह एक इंसान बनकर जिया। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह को भूख लगती थी, उन्हें प्यास लगती थी, वे थक जाते थे, वे रोए भी। वो सब इमोशंस जो हम महसूस करते हैं, सुख दुख, वो सब यीशु मसीह ने महसूस किया। और आज अगर हम दुखी हैं या परेशानी में हैं, तो परमेश्वर जानता है कि हमें कैसा महसूस होता है। तो आइए क्रिसमस के इस शुभ दिन पर यीशु मसीह को हम अपने दिलों में जन्म दें और उसे अपना उद्धार करता, अपना मसीह ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर इंसान बना आपकी और मेरी खातिर। परमेश्वर के वचन से जुड़ी वीडियोस को देखने के लिए आप होली स्पिरिट प्रोडक्शंस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को सिलेक्ट करें, ताकि चैनल पर अपलोड की जाने वाली सारी वीडियोस आपके फोन में जरूर पहुंचे। आप अपनी डोनेशन बैंक अकाउंट के जरिए और QR कोड को स्कैन करके भी भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।